हमारी जो शिक्षा पद्धति है, शुरू से मैं उठाऊं तो वेदों से शुरू हुआ। वेद पढ़ाए जाते थे, वेद सिखाए जाते थे, वेदों के ऊपर ही काम किया जाता था, वेदों से ही यज्ञ हवन किए जाते थे, वहां से शुरू हुआ। फिर शास्त्रों का, फिर उपनिषदों का, ये हमारी शिक्षा पद्धति थी उस समय की, हजारों वर्ष पहले। तो जो हमारी शिक्षा पद्धति थी वो बहुत मजबूत थी। वहां क्या किया जाता था, खोज की जाती थी, हर विषय के ऊपर खोज करके लिखा जाता, वही पढ़ाया जाता। समय आया कि हमने भारत को ढूंढ लिया, खोज लिया भारत को, वास्को डी गामा घूमते घूमते इधर पहुंच गया कि हमने खोज लिया भारत को। अरे भारत को क्या खोज लिया, भारत कहीं खो थोड़ा ही ना गया था, कहां खोजेगा भारत को, भारत तो यही है, सनातनी है, ये बस ये है कि जुड़ गए कुछ दुनिया से। लेकिन हमारे पास उस समय भी वो चीजें उपलब्ध थी जो वहां नहीं थी। उस समय हमारे ऋषि मुनि अणु का प्रयोग करते थे, बिजली के बारे में भी लिखा गया है, परमाणु के बारे में भी लिखा गया है, वायुयान की भी पद्धतियां थी। हमारी शिक्षा बहुत उच्च कोटि की थी, उच्च श्रेणी की। लेकिन क्या देखा उन्होंने, जब आए तो उन्होंने देखा, अरे भारत की इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, अगर ये नहीं टूटी तो भारत को तोड़ा नहीं जा सकता। नींव जब तक नहीं लेगी, नींव की ईंट नहीं निकालेंगे, बिल्डिंग का कुछ नहीं किया जा सकता। ऊपर से तोड़ दो माले फिर बन जाएंगे, नीचे से नींव निकाल दी, कहां खड़े होंगे फिर। वो बदलाव शुरू हुआ, हमारे जो गुरुकुल थे उनको नष्ट कर दिया गया, जो ब्रह्मचर्य की शिक्षा थी जिसके ऊपर नीम थी वही चोट पहुंचाएगी। जब तक संयम नहीं होगा जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जब तक नियम पर जीवन नहीं चलेगा विद्यार्थी कैसे जिएगा, नहीं जी सकता, आलसी जीवन रहेगा। जब तक मर्यादाएं नहीं होंगी कैसे पढ़ सकेगा, जब तक संस्कार नहीं होंगे जीवन कैसे चलेगा, नहीं चल सकता। तो फिर टूटना शुरू हुआ, ग्रंथों में बदलाव शुरू हुआ, धीरे धीरे बदलने शुरू हो गए और गुरुकुल एक एक करके कम होने लगे। पता भी नहीं चला कैसे कम हो गए। जैसे हर गांव में गुरुकुल होते थे तो एक गांव का हट गया, बच्चे दूसरे गांव में जाने लगे, एहसास ही नहीं हुआ कि फिर चार रह गए, चारों में से एक फिर हट गया, तीन रह गए। पता ही नहीं चला कि गुरुकुल की जो पद्धति थी, जो हमारे आर्य लोगों का था सिस्टम, वो कैसे खत्म, धीरे धीरे कमजोर होकर के तोड़ दिया गया। शुरू हुआ फिर किताबों का चेंज, पुस्तकों का चेंज। वो शुरू होने के बाद अपने अनुसार की किताबें पढ़ाने लगे, उर्दू की पढ़ाई शुरू हो गई। आपने देखा है बूढ़े बुजुर्गों को, मैंने देखा है। देखना कोई आसपास आपके 100 वर्ष प्लस का हो तो, मैंने 20-30 वर्ष पहले देखे होंगे, वो अगर उर्दू का कोई अखबार आ जाता झट से पढ़ देते। कहां से सीखी भाई उन्होंने, हमारे देश में तो थी नहीं, कहां से उठा करके लेकर के आए, वो समझ भी नहीं आती थी, वो फटाफट से पढ़ देते। किसी कोई भी अखबार मिल जाता, जैसे कोई आप देखा होगा कि कोई वस्तु लेकर के आ गया सामान, वो लिपटा हुआ हो कोई अखबार वगैरह, उसको पढ़ करके बता देते, तब मुझे पता था अरे ये तो उर्दू को जानता बहुत अच्छी तरह से, वो उर्दू आ गई, वो बदलाव हुआ। हमारी शिक्षा पद्धति है भाई ये। फिर बदलाव हुआ, फिर अंग्रेज आ गए, उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति लागू कर दी, वो अपने अनुसार उसको डालने लगे। फिर कभी किसी का सिद्धांत का नाम लेते हैं, कभी किसी सिद्धांत का नाम लेते। अभी लड़का एक मेरे पास आया था, उन्होंने कई
नाम लिए। मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता, क्यों? उनके सिद्धांत हैं, ये उनका सिद्धांत है, ये उनका सिद्धांत है। लगे मुझे 15-20 मिनट उसके ऊपर, मेरे पास टाइम कम होता, लेकिन लगे 15-20 मिनट, भूल गया सब सिद्धांतों को, आ गया उसी सनातन प्रक्रिया के ऊपर। वो आदमी जो नास्तिक था, समझना ही पड़ा। तो मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? फिर अंग्रेजी शिक्षा लागू हो गई, धीरे धीरे हिंदी गायब होने लगी, गायब होने लगी। आज शिक्षा पद्धति कहां पहुंच गई? अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो आप अनपढ़ हैं। अगर आपको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती, आप कुछ नहीं जानते। कितने भी समझदार हो, आपकी इज्जत नहीं होगी। देखा है मैंने बहुत नजदीक से, मजाक बनने लगता है समाज में भी, घर में भी, ऑफिसरों में भी, नेताओं में भी, नए बच्चों में भी। मतलब इंग्लिश को वो अपना मतलब ज्ञान समझते हैं, समझ समझते हैं, और ये समझते हैं कि अगर इंग्लिश नहीं आती तो ये गवार आदमी, ये कुछ नहीं जानता। लेकिन जब आप सोचोगे कि इंग्लिश केवल लैंग्वेज है, बुद्धि नहीं, हिंदी भी एक लैंग्वेज है, और भी मराठी भी लैंग्वेज है, मलयालम भी, तमिल भी, तेलुगु भी, पंजाबी भी, हरियाणवी भी, राजस्थानी, ये लैंग्वेज है, ज्ञान नहीं है ये। तो फिर ये सब कुछ इंग्लिश में चला गया। अगर आप कहीं जाओ कि मुझे हिंदी मीडियम में पढ़ना है, भूल जाओ आपकी कोई अच्छा स्कूल आपको मिलेगा। हंसने लगेंगे, देखते हैं अरे कहां से आ गया आत्मविश्वास आपका खत्म। क्या सोचोगे कि इंग्लिश वालों की तो बड़ी इज्जत हो रही है, हिंदी वालों को कोई पूछ नहीं रहा। और अगर इंग्लिश वालों को ये पता चल जाए ये तो केवल वेदों को जानता है और गुरुकुल में पढ़ा है और उस शिक्षा पद्धति और प्रणाली से आगे बढ़ा है, फिर तो मेरे भाई बस पूछो मत, फिर तो महाभारत ही हो जाएगा। आपसे गवारे धरती के ऊपर आदमी नहीं होगा। वो कहेंगे इस जमाने में भी ऐसा आदमी कहां से ढूंढ के लाए आप? ये हमारी शिक्षा पद्धति। और क्या चल रहा है आजकल? आजकल अंग्रेजी के ऊपर दबाव, जोर के ऊपर जोर, जोर के ऊपर हिंदी, हिंदी खत्म खत्म खत्म, धीरे धीरे कमजोर। हमें बहुत काम करना पड़ेगा हमारी शिक्षा पद्धति के ऊपर, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्योंकि शिक्षा पद्धति हमारी क्या हो गई है? बेरोजगारी का जो सिस्टम है वो हो गया है, पढ़े लिखे जो बेरोजगार है वो हो गया है, ना कोई काम कर सकते हैं, ना काम करने की नॉलेज है, ना किसी विषय के ऊपर बोल सकते हैं, न पढ़ा सकते हैं। पढ़ाना क्या है? बस ये है जो किताबों में लिखा बोल दिया, इससे ज्यादा न उन्हें अनुभव है, न खोज की हमारे ग्रंथों की। तो यही रह गया कि जो हमारा गलत और सही का प्रचार था, हमारी उम्र तो इसी में बीत जाएगी, ऐसे ही चला जाएगा। यही खेल है, यही सच चल रहा है। और जो चल रहा है आज, आज क्या चल रहा है? इतना इतना बिल्कुल बुरा हाल हो गया है। आप जा करके देखो स्कूलों के अंदर बच्चों की 5,000-7,000 से तो फीस शुरू होती है, और ज्यादा कितनी होगी? लाखों में। इंग्लिश ही बोलते हैं, ना संस्कार सिखाते हैं, और वहां क्या पढ़ाया जाता है? ईसाइयों की पुस्तकें पढ़ाई जाती है। हमारे धर्म ग्रंथ कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। अगर कोई बोल दे कि ये पढ़ाया करो, मजाक बन जाता है। इसके ऊपर सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा, आप लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा। और क्या चल रहा है? शराब का जो सिस्टम है बहुत प्रचलन में आ गया, छोटे छोटे बच्चे नशा करने लगे। क्योंकि जो चीज हर जगह उपलब्ध होगी
वो कभी भी उठाएंगे पी जाएंगे। जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो बदल गई। ये शिक्षा जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक आदमी की जो पे होती है तनख्वाह 40,000 रुपए सरकारी नौकरी वाले की, 20,000 रुपए प्राइवेट जॉब वाले की। अब नीचे से नीचे स्कूल में अगर पढ़ाएंगे तो 5,000 से कम तो कोई स्कूल बचाएंगे। अगर दो बच्चे हो गए तो क्या हालत होगी आपके परिवार की? घर बना नहीं सकते, रहेंगे कहाँ? किराए के मकान में किराया पूरा नहीं होता, करेंगे क्या? बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, 5-5, 10-10 हज़ार की भी नौकरी नहीं मिल रही। ये कारण क्या है? ये हमारी शिक्षा पद्धति। जो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, मौका लगा शराब इतनी सस्ती कर दी गई, उठा लाए पी गए। इससे हमारी जो पीढ़ी है आने वाली नस्ल, वो भी खराब हो रही है। अगर इसको थोड़ा चेंज कर दिया जाए कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसको बदल दिया जाए, इसको प्रभावित, कुछ सरकार ने अभी काम किए हैं बहुत अच्छे, देखा मैंने, बहुत अच्छे काम किए हैं, कई जगह लागू करने की तैयारी भी चल रही है, प्रभाव भी चल रहा है, प्रयास भी कर रही है। लेकिन जो पिछली सरकारें थी उन्होंने इतना गड़बड़ घोटाला कर दिया कि उसको संगवाने में, संभालने में, मैनेज करने में टाइम तो लगता ही है, लेकिन बहुत प्रयास कर रहे हैं। अगर शराब को जो रेट है इसे 10 गुना कर दिया जाए और शिक्षा पद्धति है उसको अगर फ्री ना कर सको तो फ्री के बराबर कर दिया जाए, रिजल्ट देखना उसका। तो जो पीने वाले हैं वो केवल एक साइड हो जाएंगे और जो हमारे बच्चे हैं पढ़ाई के ऊपर ध्यान करें। जब हम इस प्रकार के काम करने लगेंगे तो प्रभाव समाज के अंदर भी होगा, काम के ऊपर भी होगा, बेरोजगारी के ऊपर भी होगा, संसार के ऊपर भी होगा, परिवार के ऊपर भी होगा, नशे के ऊपर भी होगा। एक ही काम से 20-30 चीजों के ऊपर प्रभाव होगा, हर चीज के ऊपर, और प्रभाव भी छोटा नहीं, बहुत बड़ा प्रभाव होगा। तो आप जो बैठे हुए लोग हैं इसके ऊपर काम करेंगे, चल रहा है ये भी, आप देखना ये भी बदलाव धीरे 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 उस ओर शुरू हो जाएगा। आप सोचते होंगे क्या मैं सरकार से बात करके ऐसा बोल रहा हूँ, क्या मुझे पहले पता चल जाती है क्या अंदर की बातें? नहीं, मैं सरकार के टच में कोई भी सरकारों कम ही रहता हूँ, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ये संकल्प होते हैं, कि जो विचार होते हैं, और सिद्धों के संकल्प बोलते ही पूरे हो जाते हैं, काम शुरू हो जाता है उनके, काम शुरू हो जाता है। और जब उनके ऊपर काम शुरू होगा तो रिजल्ट तो आएगा ही। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए उस रिजल्ट में, लेकिन रुकेगा नहीं, ये जल्दी ही प्रभावशाली होगा। ये नहीं कि आपकी फ्री शिक्षा हो जाए, कोई जरूरी, लेकिन शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी हमारे बच्चे बेरोजगार नहीं रहेंगे, शिक्षा के साथ साथ कर्म क्षेत्र में भी बढ़ेंगे। जिस प्रकार से पुराने टाइम के अंदर था, सिखाया जाता था योद्धाओं को तलवार चलाना, उस तरह से तैयार किया जाता था। जो दूसरे लोग थे उनको दूसरी तरह से तैयार किया जाता था शिक्षा देकर, क्या जैसा नहीं है, जिसकी जिसमें रुचि थी उसमें उसी को बढ़ा दिया जाता था। आजकल नहीं है ये बिल्कुल भी। आजकल तो बस 10वीं करनी है तो करनी ही पड़ेगी, कोई भी हो, उस कागज के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, कुछ भी हो जाए चाहे। तो ये शिक्षा व्यवस्था काफी बदलाव होगा इसमें, और जरूरत भी है और जरूरी भी है, तभी ये बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समाज का निर्माण कर पाएंगे।